गुड्डा में अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भीतर फर्जी खबर फैलाने का सिलसिला भाजपा आईटी सेल ने शुरू कर दिया है। बता दे कि व्हाट्सएप पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के खिलाफ फर्जी खबरों को फैलाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदीप यादव ने गुड्डा के उपायुक्त को इस विषय में शिकायत की है। बता दे कि व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदीप यादव के तस्वीर के साथ एक तथाकथित अखबार की कटिंग शेयर की जा रही है, जिसके हेडिंग में लिखा गया है कि मुसलमान वोटर मेरा साथ दे तो ब्राह्मण और दोगले यादवों को धूल चटा दूंगा। इस बयान को प्रदीप यादव से जोड़ा गया है। इस मुद्दे पर महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव ने अपने फेसबुक पर पोस्ट कर इस मुद्दे को प्रशासन के संज्ञान में दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में पुलिस अधीक्षक गुड्डा एवं उपायुक्त गुड्डा को टैग कर लिखा कि भाजपा वाले अब फर्जी न्यूज बनाकर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए समुचित कानूनी कार्रवाई करें। वहीं इस मुद्दे पर जिला कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश रोशन ने भाजपा पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने हम आपको सुनाना चाहेंगे, सुनिए। हार के डर से पूरी तरह से दुबे जी का टीम और दुबे जी पूरी तरह से घबरा गए हैं। उसके आईटी सेल के द्वारा एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है जो प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है, कार्रवाई हो रही है सबके ऊपर। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भ्रामक खबर फैलाते हैं और भ्रामक खबर फैला करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और जैसे कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से कबूतर का खून लगा करके इधर उधर घूम करके लोगों को बेवकूफ बनाया था, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। और मैं सबों से अपील करना चाहते हैं कि इस तरह का, खास करके उनके आईटी सेल का, इस पेपर का कटिंग जो आप वायरल कर रहे हैं, ये प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है। आप सबों पे बहुत जल्द कार्रवाई होगी और आप लोग जितने भी ये पेपर कटिंग को शेयर कर रहे हैं भाजपा आईटी सेल के द्वारा, क्या सही है पेपर कटिंग, क्या सही है या फिर ये पेपर कटिंग फोटोशॉप से एडिट किया गया है और उसी फोटोशॉप से एडिट करके भाजपा आईटी सेल के द्वारा उसको वायरल किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। और इस पे जितने भी लोग वायरल कर रहे हैं, जितने भी भाजपा आईटी सेल के लोग वायरल कर रहे हैं, सब पर कार्रवाई होगी। सबका नाम जो है प्रशासन के संज्ञान में चला गया है। वो 1 से 2 दिन के अंदर में ये सभी जेल में रहेंगे। तो सुना आपने राकेश रोशन ने क्या कुछ कहा। वहीं हमने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रीतम गाड़िया से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। बहरहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे समाचार आज तक।